एसिडिटी, नाम तो सुना ही होगा, है। लेकिन इस एसिडिटी में हमारी बॉडी के अंदर कौन सी चीजें होती है, कौन सी चीजों की वजह से ये एसिडिटी होती है, और घर पर हम किस तरह से इस एसिडिटी को ठीक कर सकते, साथ साथ कौन सी मेडिसिन इस एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सो है वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वॉचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली हमारे पेट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो किस तरह से वो हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे यहाँ पर एक ट्यूब होती है जिसे कहा जाता है ईसोफेगस और फूड पाइप। तो इस फूड पाइप से खाना हमारे पेट के अंदर जाता है और उस फूड पाइप के एंडिंग में एक लेट्स से कि एक दरवाजा होता है और उस दरवाजे के थ्रू वो खाना हमारे पेट में जाता है। और जैसे ही खाना वो पेट में गया वो वहां का जो दरवाजा है वो बंद हो जाता है। ऐसे नॉर्मली हेल्दी पर्सन में होता है। और जब वो दरवाजा बंद हो गया वो खाना हमारे पेट में जाता है, वहां पर म्यूकस का सिक्रीशन होता है। म्यूकस का मतलब जो आपके नाक से बहता है ना, वो म्यूकस। लेकिन हमारे पेट के अंदर भी वैसे ही टाइप का एक म्यूकस सिक्रीट होता है और उसके बाद वहां पर कुछ एसिड सिक्रीट होता है। जो एसिड हमारे पेट के अंदर जो खाना गया है उसे पचाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह से पूरे हमारे पेट में इस खाने को पचाने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। लेकिन कुछ कंडीशन में, मैंने जो आपको दरवाजे का मैंने आपको आपके सामने जिक्र किया, तो वो जो दरवाजा है वो कुछ चीजों की वजह से वो ठीक से ओपन और क्लोज नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से जो हमारे पेट के अंदर एसिड है वो हमारे उस फूड पाइप के अंदर आने लगता है और इसे कहा जाता है एसिड रिफ्लक्स। मतलब जो हमारे पेट के अंदर जो एसिड सिक्रीट हुआ है वो हमारे इस फूड पाइप के अंदर मतलब ऊपर जाने लगता है, वहां पर इरिटेट करने लगता है हमारे फूड पाइप को। तो इस एसिड की वजह से हमारे चेस्ट के अंदर हमें पेन होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन, मतलब हमें यहाँ पर जलन महसूस होती है। तो इसी चीज को कहा जाता है एसिडिटी। अब बात करते हैं रीजंस ऑफ एसिडिटी के बारे, मतलब कौन सी चीजों की वजह से ये हमें ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहली चीज तो एक्सेसिव वेट और ओबेसिटी, मतलब अगर आपका वेट बहुत ही ज्यादा है तो आपको ये एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी चीजें जैसे कि कुछ सर्टन मेडिसिन लेने के बाद भी आपको ये एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, देन ज्यादा स्पाइसी फूड खाने से, ज्यादा एसिडिक फूड खाने से ये चीजें हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पेट के अंदर एसिड होता है और उसके ऊपर अगर आप ज्यादा एसिडिक फूड खाएंगे तो उसकी वजह से एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है और इसकी वजह से भी आपको एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। देन बैड लाइफस्टाइल, मतलब कुछ ऐसे स्मोकिंग करना, देन ड्रिंकिंग करना, देन खाना खाने के बाद डायरेक्टली सो जाना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म न करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करना, इसकी वजह से भी ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम इस एसिडिटी को घर पर ट्रीट कर सकते हैं और कौन से ऐसे होम रेमेडीज है जिसके थ्रू हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो खाना खाने के बाद आपको डायरेक्टली बिल्कुल भी सोना नहीं है। जब आप खाना खाएंगे तो आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए वॉक करना चाहिए, कोई भी छोटी सी ऐसी मतलब ऐसी स्मॉल फिजिकल एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है जिसके थ्रू आपके डाइजेशन में हेल्प मिलेगी और आपको इस एसिडिटी के प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। देन दूसरी बात करते हैं कि अगर आप ओवरवेट है तो आप वेट लूज कर सकते हैं। आपको ज्यादा स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, ज्यादा एसिडिक फूड नहीं खाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके इस पेट के अंदर बहुत ही ज्यादा एसिड सिक्रीट होता है और अगर उसके ऊपर आप ज्यादा एसिडिक फूड खाएंगे, ज्यादा स्पाइसी फूड खाएंगे तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम्स
आपको ज्यादा हो सकती है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं। देन अगर हम होम रेमेडीज की बात करें तो आप इसके लिए आप कोल्ड मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं, जिसके वजह से आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देन इस एसिडिटी के लिए आप कुछ दूसरी चीजें भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादा हेवी मील न खाना। तो ज्यादा हेवी मील अगर आप नहीं खाएंगे तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। देन साथ ही साथ आप कुछ ऐसी चीजें ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड के ऊपर, मतलब लेफ्ट साइड को फेस करके सोना। तो ये जो चीजें है वो ऐसी छोटी मोटी लाइफस्टाइल की, मतलब हमारी डेली लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस करने से भी आपकी ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अब बात करते हैं कि कौन सी मेडिसिन इस एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर दो टाइप की मेडिसिन आपको बताने वाला हूँ जो कि इस एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। सो फर्स्ट थिंग इज एंटासिड, जो कि नाम से बताया जा रहा है एंटी एसिड, मतलब हमारे पेट के अंदर जो एक्सेसिव एसिड है, जो हमारे उस फूड पाइप के अंदर एंटर कर रहा है, वहां पर इरिटेट कर रहा है, तो उससे न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड दिए जाते हैं। और इस एंटासिड मेडिसिन से भी आपको आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। साथ ही साथ PPI, दैट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये मेडिसिन दी जाती है ताकि हमारे पेट के अंदर जो एसिड सिक्रीट हो रहा है तो उसकी सिक्रीशन को कम किया जा सके। तो उसके लिए ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिए जाते हैं। तो ऐसे कुछ मेडिसिन है जो कि इस एसिडिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप एसिडिटी के बारे में आपको सारी चीजें पता चल गई होगी कि आखिर ये एसिडिटी क्या है, इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं, और कौन सी चीजों के थ्रू हम इस एसिडिटी को घर पर ट्रीट कर सकते हैं, और कौन सी मेडिसिन इस एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।